नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अजीत प्राशन ने अपने कर्मचारियों और लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ रामनगर वार्ड का दौरा किया और वार्ड के अंतर्गत ढांचे व विकासात्मक गतिविधियों का जायजा भी लिया। प्राशन ने वार्ड स्तर पर लोगों को पेश आ रही समस्याओं को जल्द सुलझाने का भी आश्वासन दिया है। रामनगर वार्ड के प्राकृतिक जल स्रोतों का होगा जीर्णोद्धार, नालों के चैनलाइजेशन के लिए तैयार होगा प्राकलन, सीवरेज व्यवस्था को लाएंगे पटरी पर, सफाई व्यवस्था को किया जाएगा दुरुस्त। जी हां, रामनगर की जनता से यह सब वायदे किए हैं नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अजय पराशर ने। रामनगर वार्ड के दौरे के दौरान उन्होंने बताया कि लाइन डिपार्टमेंट्स, IPH, PWD, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में वार्ड के आधारभूत ढांचे का निरीक्षण किया है और बहुत जल्द सभी समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी। आज हमने वार्ड नंबर 12 क्योंकि मंगवाई है, यहाँ पे हमने नगर परिषद में ये निर्णय लिया था कि हमें जो मेन वर्किंग लाइन डिपार्टमेंट हैं उनके जो जूनियर इंजीनियर्स हैं उनकी हमने एक टीम बनाई है जिसमें मेनली नगर परिषद के जो JE हैं हमारे और SDO प्लस साथ में PWD के JE, IPH डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के और सबसे इम्पोर्टेंट सीवरेज डिपार्टमेंट के JE सुपरवाइज़र, इन सब को लेके हमने एक टीम बनाई तथा साथ में जो हमने वार्ड कमेटी बनाई है, वार्ड मेंबर और जितने भी अदर जो कमेटी के सदस्य हैं उन सब के साथ मिल के हमने वार्ड नंबर 12 जो कि मंगवाई है वहाँ का सुबह 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक हमने उसका पूरे वार्ड का एक राउंड लिया। जो विभिन्न समस्याएं वार्ड के अंदर थी उन सबको हमने वहाँ पे प्रैक्टिकली जाके देखा और हमें जो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे लोगों ने बताई वो थी सीवरेज की, सीवरेज लाइन्स की। तो 3-4 बहुत महत्वपूर्ण स्पॉट थे वहाँ पर और वहाँ पे एक पैरेलल लाइन जो कि अक्रॉस द सुकेती बन रही है, जो एग्जिस्टिंग लाइन है बहुत जगह उसमें पिलफ्रेज है, लीकेज है बहुत जगह। तो वहाँ पे हमने सीवरेज डिपार्टमेंट को ऑन द स्पॉट ये बताया कि जो उनकी पैरेलल लाइन है इसको वो टारगेटेड मैनर में इसका काम पूरा करें। तो उन्होंने हमें बताया कि 30 जून तक वो जो पैरेलल लाइन है उनकी सीवरेज की वो कम्प्लीट कर देंगे तथा जो वहाँ पर लीकेज हो रही है उसको भी वो दुरुस्त करेंगे। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी के इन आश्वासनों से निश्चित ही रामनगर के बाशिंदों को ढांढस बंधा है। अब देखना होगा ये सब वादे वास्तविक रूप में कब सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KNews मंडी।